हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे दोस्तों कि इसका यूज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है और इसका डोज क्या होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आगे से कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और वीडियो को देख करके आप इसे जानकारी प्राप्त कर सकें। सबसे पहले चलिए मैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ करता हूँ, मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। मोनोसेफ इंजेक्शन दोस्तों 1 ग्राम 500 mg और 250 mg का इंजेक्शन आता है दोस्तों। डिपेंड करता है एज और वेट के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है, कितना एज है कितना वेट है उसके हिसाब से आपको लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका डोज क्या होता है, डोज मैं सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, 30 mg से लेकर के 50 mg तक पर kg के हिसाब से इसको लगाया जाता है। अगर जो कोई बच्चा मान लीजिए 2 kg का है तो उसको 30 यानी कि 30 से 50 के बीच में यानी कि 40 × 80 भी लगा सकते हैं, 80 mg का इंजेक्शन लगा सकते हैं और 100 mg का भी लगा सकते हैं और 30 × 60 mg 60 से लेकर के 100 mg के बीच में उस बच्चे को लगाया जा सकता है। तो और इसका एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों सबसे सुटेबल रखता है दोस्तों, इसका IV होता है और IM भी लगा सकते हैं लेकिन बस डीप में थोड़ा लगाना होता है क्योंकि पेनफुल होता है IM, इस वजह से मैं कहूँगा प्रीफर किया जाता है IV। तो ये हो गया इसका रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साइड इफेक्ट मैं बता दूँ दोस्तों, साइड इफेक्ट यानी कि मिचली आना, उल्टी होना और डिजीनेस, चक्कर, ये सब इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों इसको। और जो आप फास्ट लगा देते हैं मान लीजिए बेंच में डाल करके तत्काल 1 से 2 सेकंड में अगर जो इसको इंसर्ट कर दे रहे हैं इंजेक्शन को आप किसी भी पेशेंट के बेंच में, तो आप ये समझिए कि उसको 100% चांस है कि वोमिटिंग होना ही होना है क्योंकि ये उसका साइड इफेक्ट है और उसको शो कर देता है। देखिए अगर जो स्लोली इंसर्ट करते हैं यानी कि 10 से 12-15 सेकंड तक धीरे धीरे स्लो इसको पुश करते हैं, इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं, तो 80% केसेस में देखा गया कि वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है। और इस तरह से इसका साइड इफेक्ट है। अब मैं इसका यूज के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है जैसे कि टाइफाइड फीवर में। जैसे कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाता है टाइफाइड फीवर। सलमोनेला थाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है उसके कारण टाइफाइड फीवर होता है दोस्तों, और टाइफाइड फीवर में इसको मोस्टली यूज किया जाता है समझिए। ये डिपेंड करता है कि इंजेक्शन कितना लगेगा, इस बात को डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन कितना है, सलमोनेला थाइफी एच और ओ होता है जो, वो कितना परसेंट स्प्रेड है दोस्तों, कितना परसेंट ग्रोथ किया है। आप देखते होंगे 60, 80, 100, 120, 300, 20 इस तरह से लिखा होता है उसमें, तो उसमें डिपेंड करता है कि कितना स्प्रेड किया हुआ है ये बैक्टीरिया, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कितना इंजेक्शन लगेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ खत्म हो जाएगा, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इस इंजेक्शन का कितना डोज लगना है। तो ये हो गया मैं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। अब ये इंजेक्शन किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर लगाया जा सकता है बिल्कुल आसानी से, आई एम कहीं भी लगा सकते हैं। और इस तरह से इसका यूज किया जाता है, पहला यूज हो गया टाइफाइड फीवर में। दूसरा होता है दोस्तों मेनिनजाइटिस यानी कि दिमाग ब्रेन की नसों में सूजन हो जाती है, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तीसरा यूज हो गया दोस्तों ये UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में जलन हो गया या फिर पेशाब के रास्ते ब्लड, इस सब कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। और मोस्टली कॉमनली पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है, जैसे कोई अल्कोहल लेकर के मतलब लिया हुआ है और उसको एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में अगर जो इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है कि नहीं, तो मैं बता दूं दोस्तों इसको बिल्कुल लगाया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगाने से कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ हालांकि लीवर से संबंधित अगर जो लीवर में उसको कोई दिक्कत है तो उससे पहले उसको मतलब डॉक्टर से बढ़िया से कंसल्ट करके उसके बाद से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। तो लीवर और किडनी का तो कोई इफेक्ट नहीं है दोस्तों, किडनी में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हालांकि लीवर में है तो लीवर अगर जो कोई पेशेंट है लीवर का तो वो अपने डॉक्टर को मतलब एक
कंफर्म कराया कि मैं लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है मुझे और इस इंजेक्शन से कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ये था इसका यूजेज, और भी बहुत से यूज है, जैसे कि दोस्तों कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कट टूट गया, उसको सुखाने में, घाव को सुखाने में, या फिर कहीं सूजन हो गया इस कंडीशन को, और भी मतलब समझिए कि बैक्टीरिया से होने वाले कोई भी इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। और कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या इसमें यूज किया जा सकता है कि नहीं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।